तो भाई मैंने देख ली है पोनियन सिल्वन 2। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, 100 बातों की एक बात है कि अगर आपने PS1 नहीं देखी है, या फिर आप होमवर्क नहीं करना चाहते हो बिल्कुल भी, या आपने पोनियन सिल्वन पढ़ी नहीं है और उसकी प्लॉट तक पढ़ना नहीं चाहते हो और थोड़ा दिमाग पे जो है प्रेशर नहीं डालना चाहते हो, तो PS2 भी मत देखना, उससे दूर रहना। सिंपल सी वजह यह है कि देखो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो थी वो PS1 में ऑलरेडी थी, इसकी वजह से वो नॉर्दर्न बेल्ट में तो नहीं चली, क्योंकि हमारी नॉर्दर्न ऑडियंस तो देखो मेहनत करती नहीं, हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, इसी वजह से हम जो है मसाला पॉट बॉयलर्स देखते हैं। अब जहां पर थोड़ा हिस्टोरिक फिक्शन आ गया या जहां पे हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए भाई, उससे तो थोड़ा हमारा ऑडियंस दूर रहता है। तो अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो PS2 आपके लिए नहीं है। PS1 में ही मेजरली जो है इसके जितने भी कैरेक्टर्स थे, जो सिचुएशंस थी, जो 10 लोकेशंस थी, वो सबको एस्टैब्लिश किया गया था। मोटी मोटी बात यह है कि PS1 एक एस्टैब्लिशिंग प्लॉट था, पूरा सेटअप किया गया था PS2 के लिए कि सबके इंटेंशंस क्या है, मोटिव्स क्या है, वो सब रिवील हुए थे PS1 में। अब PS2 के टाइम पे जो है टाइम था एक्शन का, मतलब जो भी उनकी मोटिव थी, जो भी इंटेंशन था, जो प्लॉटिंग चल रही थी आपस में, उसका एग्जीक्यूशन होना था। अब वो कितना एग्जीक्यूशन होता है ये PS2 में जो है देखने वाली बात है। पर्सनली मुझे PS2 काफी ज्यादा ड्रैगिंग लगी। देखो PS1 में भी बहुत ज्यादा काफी मुझे जो है ना, मेरे लिए भी बड़ी लोडेड थी, मुझे 4 बार तो उसको पढ़ना पड़ गया। उसकी स्टोरी क्या है, कैरेक्टर्स तो मुझे अभी तक याद नहीं हुए क्योंकि वो इतने ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं, तो वो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको भी याद रखा जाएगा। बस ये है कि चोला डायनेस्टी की जो गद्दी है उसके ऊपर लड़ाई हो रही है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि उस गद्दी को चाहते हैं, तो सीधी सी बात ये है। अब सिचुएशंस इतनी ज्यादा हैं कि फिल्म के अंदर बैक एंड फोर्थ आपको बहुत ज्यादा महसूस होगा, मतलब रश में आपको सीन्स लगेंगे, जैसे टिपिकल जो साउथ इंडियन फिल्म के जो फ्लेवर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं फील होने लगेंगे सेकेंड हाफ में, क्योंकि इतने ज्यादा सिचुएशन है, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि मतलब एक इंटेंस सिचुएशन को सिर्फ एक डायलॉग से ही ना पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है। और जो बिल्डअप किया गया है, अगर आप PS1 और PS2 को दोनों को कंबाइन कर दोगे तो लगभग आप समझ लो कि 3.5-4 घंटे आपने जो एंड्योर किया है सब कुछ समझने के लिए लोगों के मोटिव्स को, एंड में आते आते ना वो अचानक से जो है ना इतने वीक लगने लग जाते हैं कि वो अपने मोटिव्स को ही छोड़ने लग जाते हैं और आप सोचते हैं यार ये क्या हो गया, तो चिटिंग हो गई। 1 घंटा तो लिटरली फिल्म को ड्रैग किया गया है, डायरेक्टर के साथ साथ ऑडियंस भी लॉस्ट हो जाती है। पूरी फिल्म के अंदर एक लास्ट में वॉर सीन आता है, लेकिन वो भी जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि जो एंटेगनिस्ट है, मतलब जिनके बीच में जो वॉर हो रही है, जो सामने एंटेगनिस्ट है, वो उससे आप रिलेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर दोगे वो हार्डली उनका चेहरा, मतलब मुझे तो ढंग से याद भी नहीं हुआ उनका चेहरा, और सडनली इतनी बड़ी वॉर डिक्लेयर हो जाती है और वो आपस में बुरी तरीके से लड़ने लग जाते हैं, तो वो उससे भी आप रिलेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से जो थ्रिल आना चाहिए पूरे सीक्वेंस में वो भी मिसिंग हो जाता है। फिल्म की जो सबसे अच्छी बात है, जो कि PS1 की भी थी और PS2 की भी है, वो है परफॉर्मेंसेस। मतलब जो एक्टर्स हैं उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर्स को जो है जिया है, मतलब अगर आप ऐश्वर्या की बात करो तो वो इतनी वेंचफुल होती हैं, तो उसके अंदर जो उसकी ब्यूटी है ना, वो पॉइजनस ब्यूटी जो है वो दिखाई देती है। त्रिशा की जो विजडम है वो आपको दिखाई देता है। कार्ति जो है वो काफ़ी प्लेफुल है, चीयरफुल है, ब्रेव है, स्मार्ट है, वो सारे जो एलिमेंट्स जो इन कैरेक्टर्स के हैं वो एक्टर्स में दिखाई देते हैं। उनके सिर्फ चेहरे से, अगर वो कुछ कहते भी नहीं हैं, जिस तरीके से वो उठते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, उसी से आपको पता लगता है कि इनके दिमाग में कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं और कितना सस्पेंस इनमें छिपा हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लास्ट में आते आते ऐसा लगा फिल्म के कि भाई मणिरत्नम में भी थोड़े थक गए थे और उन्होंने थोड़ी देर के लिए सूरज बरजात्या को जो है डायरेक्टर्स हैट दे दी, क्योंकि अचानक से हैप्पी गो लकी सिचुएशंस होने लगेगी, सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास होने लगेगा, सब प्रायश्चित करने लगेंगे, तो मुझे बड़ा एक फैमिली जो ड्रामा है ना वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है और राजी खुशी जो है ना सब कुछ होने लग जाता है, तो वो आपको पछता नहीं है कि यार मैं इतने देर तक इस बात को, पूरी फिल्म को इसलिए देखा कि एंड में जो है ना सब लोग अपने मोटिव्स को ही भूल जाए।
ओवरऑल दोस्तों PS1 तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा खास चली नहीं थी और PS2 के भी मुझे चांसेस ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। और जो लोग शायद देखने गए थे वो ऑनलाइन हमने पढ़ा कि वो बाहुबली से कंपैरिजन करने के लिए गए थे। देखो बाहुबली और PS जो ये दोनों पार्ट्स हैं इनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। बाहुबली फैंटेसी थी, लाउड थी, उसके अंदर बहुत फ्रीडम थी डायरेक्टर को लार्जर देन लाइफ बनाने की, लेकिन इसके अंदर मणिरत्नम के पास इतनी फ्रीडम नहीं थी। एक नॉवल से अडेप्ट किया गया है, रियल लाइफ सिचुएशन से रियल स्टोरी है और ज्यादातर ये पॉलिटिकल ड्रामा है, तो इसके अंदर आपको कुछ लाउड नहीं दिखेगा, बहुत सटल है लेकिन डिटेल्ड है, हर चीज आपको डिटेल में दिखेगी। मुझे पर्सनली PS1 का ट्रीटमेंट PS2 से ज्यादा अच्छा लगा, जबकि मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी PS1 में भी जैसे कि मैंने कहा। लेकिन अगर आप सिनेमा बफ हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये फिल्म आप जरूर देखें, थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में पढ़ लें, कैरेक्टर के साथ अपने आप को फैमिलियराइज कर लें, क्योंकि पोनियन सेल्वन आपने अगर पढ़ा नहीं है वो नॉवल तो भी आप जो है उसका थोड़ा सा प्लॉट पढ़ लो, उसके बाद ये फिल्म देखोगे तो थोड़ी समझ आएगी। जब फिल्म समझ आएगी तभी आप उसको इंजॉय कर सकोगे, क्योंकि इस फिल्म को समझना ही सबसे बड़ा टास्क है। अगर आपने PS1 देखी है या आप PS2 देखने वाले हैं, अगर आपने नॉवल पढ़ी है तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या जो नॉवल में जितना थ्रिल है वो आपको फिल्म में देखने को मिला, या फिर आप में फिल्म में सबसे अच्छा आर्टिस्ट आपको कौन सा लगा? ऐश्वर्या की ब्यूटी लगी या त्रिशा की लगी, या फिर कार्ती की स्मार्टनेस या विक्रम का एग्रेशन, आपको क्या अच्छा लगा वो मुझे आप कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।